वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग का मानना है कि टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम भले ही सितारों से सजा हो, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया को द ग्रेट MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के कौशल और रवैये की कमी खली है, जो बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए काफी काम आते थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ODI में भारत को 66 रनों से करारी हार का स्वाद चखाया। होल्डिंग ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करना बहुत ज्यादा कठिन था, भारत को MS धोनी की कमी खली। उन्होंने कहा कि धोनी आमतौर पर बल्लेबाजी क्रम में निचले हाफ में उतरते हैं और वाइल्ड चेज वो नियंत्रण बना ही लेते हैं। उनके टीम में रहते भारत ने पहले यानी कि पास्ट में काफी शानदार तरीके से चेज डाउन किया। उन्होंने भी कहा कि भारत के पास काफी टैलेंटेड बैटिंग ऑर्डर है जो स्ट्रोक्स खेलने में माहिर है। हार्दिक ने शानदार पारी खेली, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी की जरूरत थी। हालांकि माइकल होल्डिंग भारत की फील्डिंग से भी खुश नहीं थे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय टीम चेज करने के दौरान धोनी को इसलिए भी मिस करती है क्योंकि धोनी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते थे और टीम इंडिया को एंड तक लेकर जाते थे। वहीं सामने वाली टीम को भी ये पता था कि MS धोनी क्या कर सकते हैं और उनके बल्लेबाज कितने सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य का पीछा करते समय धोनी कभी घबराते नहीं थे, उन्हें अपनी क्षमता का पता था और वो विचलित नहीं होते थे। जो भी साथ में बल्लेबाजी करता था वो उससे बात करते रहते थे और उनकी मदद करते थे, इवन वो गेंदबाजों की भी मदद करते। उनका साफ कहना है कि धोनी को इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। होल्डिंग ने भारत की फील्डिंग की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब आपको पता है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड बड़ा मैदान है तो आप यहाँ पर एक दो यार्ड आगे क्यों फील्डिंग कर रहे हैं? जो चांसेस हाफ थे उन्हें आपको फुल में कन्वर्ट करना होगा, अच्छी फील्डिंग करनी होगी, तो ही आप ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े जायंट को हरा पाएंगे। आपकी क्या राय है होल्डिंग के इस बयान को लेके, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।